नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक दर्द निवारक तेल के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा महाशक्तिशाली तेल है। आपको इसके लिए लेना है एक एलोवेरा, और उसके बाद में कुछ पत्ते ले लेने हैं निर्गुंडी के। निर्गुंडी, एलोवेरा, ये सारी जो औषधियाँ मैं इसमें बता रहा हूँ ये जनरली मिल जाती हैं सड़क के किनारे या बागड़ों पे या खाली पड़ी जमीन पे, उगाती हैं अपने आप ही। ये देखिए, ये है नीम गिलोय के पत्ते कुछ, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे। और ये देखिए, ये है पारिजात यानी कि हार श्रृंगार के पत्ते। हार श्रृंगार के भी बहुत सारे औषधीय महत्व हैं। हार श्रृंगार के पत्ते हम इसमें मिला लेंगे। इसके बाद में लेते हैं एरंड। एरंड के पत्ते हमने इसमें ले लिए हैं, और उसके बाद ये हम आंख यानी कि मदार के पत्ते, जो कि सड़क के किनारे और कहीं भी मिल जाते हैं आसानी से, ये है धतूरा। तो देखिए दोस्तों, धतूरा तीन तरह का होता है, काला, पीला और सफ़ेद। आप कोई सा भी धतूरा इसमें मिला सकते हैं, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा हमने लिया है इसमें गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल के भी कई औषधीय महत्व हैं। और अब हमने इन सभी जो हमारी जो पत्ते हैं, इनको सबने सबको हमने अच्छे से कूट के अच्छे से पेस्ट की तरह बना लिया है। और अब इसको हमने एक लीटर जो तिल का तेल है उसमें हमने अच्छे से इसको पका लेना है, हल्की आंच पे, मंदी आंच पे, और कम आंच पे इसको अच्छे से पकाना है, अच्छे से इसको चलाते जाना है। क्योंकि ये सारी जो औषधियाँ मैंने आपको बताई हैं सारी विषैली हैं लगभग इसमें, और इसके अंदर आंख मदार, आप कोई दूसरा नाम मदार के नाम से जानते हैं, एरंड है इसमें, जो भी एक जहर में इसकी गिनती होती है, आग की भी जहर में गिनती होती है, धतूरा और एरंड के पत्ते, ये सभी इसको जहर के रूप में इसको जाना जाता है। जो शास्त्रों में सात जहर जो उल्लेखित हैं, आँख, मदार और एरंड, इसके अलावा गुंजा, और ये जो सारी जहरीली वनस्पति हैं, ये भी हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके अंदर आपको मिला लेना है थोड़े से मेथी दाने, और अगर ताज़ी हल्दी अगर आपको मिल जाए तो वो भी इसमें आप कोट पीस के इसमें मिला लीजिए। और अगर ताज़ी हल्दी नहीं मिलती है तो आपकी जो किचन में जो हल्दी है उसका एक चम्मच आप इसमें मिला के अच्छे से हल्की हल्की मंदी आँच पर इसको पकाते रहिए। और ये जब पक जाए और उसके बाद में हमें इसको छान के किसी बोतल के अंदर भर के रख लेना है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है विषा विषस्य औषधम, यानी कि विष ही विष को काटता है। तो ये आपका तेल, महाशक्तिशाली तेल एक तैयार हो गया है। ये किसी भी तरह के आपके पुराने से पुराने आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द या गठियाबादी की जो समस्या है, और उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है, दर्द निवारक तेल है। आप इसकी 2 से 4 बूंद अच्छे से मालिश कीजिए लगाकर, जहां भी आपको दर्द है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जहरीली वनस्पति से हमने बनाया गया है। तो इसीलिए इसको किसी भी तरह से खाने में प्रयोग नहीं हो, और केवल आप बाहरी तरीके से आप अपने जोड़ों के दर्द पर इसको लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें तो आपको इससे जरूर लाभ होगा। तो मित्रों, ये बहुत ही आसान सा नुस्खा मैंने आपको बताया है, तो आप कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी कुछ समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करके